सभा में झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष आए हुए हैं, बिहार के राष्ट्रीय कमेटी प्रदेश अध्यक्ष आए हुए हैं, राजस्थान से आए हुए हैं, दिल्ली से आए हुए हैं और गुजरात से आए हुए हैं, छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं, करीब करीब 8 राज्यों के पदाधिकारी हम आसाम से आए हुए हैं। अभी धर्मसभा हुई थी, इसमें संतोष दुबे जी ने कहा कि हम कोर्ट के फैसले को लेकर नहीं चलेंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, कोर्ट का फैसला मैं सिर्फ दो सब कोर्ट के फैसले पे कहना चाहूँगा कि 6 महीना पहले या एक साल पहले कोर्ट ने एक नियम पारित किया और कहा कि थिएटर में राष्ट्रगान गाया जाएगा तो सबको खड़ा होना पड़ेगा। करीब 6 महीने बाद कहते हैं कि खड़े होकर राष्ट्रगान अगर बज रहा है तो खड़े होना जरूरी नहीं है। कोर्ट खुद ही कंफ्यूज है कि वो पहले आर्डर पास करती है और फिर उसी आर्डर को निरस्त करती है। इस पर मैं संतोष दुबे के साथ हूँ। यात्रा शुरू हुई थी हमारी 3 दिसंबर को और अयोध्या में 6 दिसंबर को बागमती सरयू तट पे। 14 अगस्त से यहाँ भगवान श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर बृहद सम्मेलन होगा, लाखों हिंदू उस दिन आएंगे और उसके बाद राम रथ यात्रा के साथ प्रधानमंत्री आवास के सामने हिंदू समाज पार्टी राम मंदिर निर्माण को लेकर उग्र आंदोलन शुरू करेगी। हम ये चाहते हैं कि भगवान श्री राम तंबू में हैं, हमारे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी माता जानकी के दरबार में जाते हैं लेकिन भगवान श्री राम के दरबार में 4 साल में एक बार भी नहीं आए। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि राम जन्मभूमि में देश का कोई भी प्रधानमंत्री आज तक माथा टेकने नहीं आया। आखिर क्या कारण है? हिंदू समाज पार्टी मुसलमानों भारत छोड़ो आंदोलन पहले से चला रही है लेकिन अब इसको जमीनी स्तर पर शुरू कर रही है, क्योंकि 1947 के अनुसार जब भारत विभाजन हो गया और यह पवित्र भूमि हिंदुओं की बची और हिंदुओं की हिस्सेदारी थी है, तो आज जो भी इस देश में मुसलमान रह रहे हैं तो वो किस हक से रह रहे हैं ये अब सभी हिंदुओं को सोचना होगा, क्योंकि अपने हिस्से की जमीन वो पाकिस्तान के रूप में ले चुके हैं। इसको लेकर उग्र आंदोलन हिंदू समाज पार्टी शुरू करेगी आज के बाद। उसके अलावा भारत सरकार से हिंदू समाज पार्टी की मांग है, रोहिंग मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमान, आप सत्ता के पहले थे कहा था कि बांग्लादेशियों को हम भगाएंगे तो आप भगाना तो छोड़ दीजिए, ऊपर से रोहियांगों को शरणार्थी कैंप बना के दे रहे हो, पानी बिजली दे रहे हो, वो हर जगह पक्के मकान बनाने लगे और कल यही हमारी और हिंदी भाषा सीख जाएंगे तब उनको कौन इस देश से निकाल पाएगा, वो भी सीख जाएगा कौन उनको निकाल पाएगा। तो ये सब देश के दुश्मन इसी देश के अंदर शरणार्थी की तरह आते हैं और फिर जो हिंदू समाज है उसके लिए घातक वार करते हुए हिंदू समाज को बहस नहस कर काम करते हैं। इन सारे मुद्दों को लेकर आज राजनीतिक प्रस्ताव पास हुए हिंदू समाज पार्टी में, जन जन तक आंदोलन चलाने के लिए हिंदू समाज पार्टी आज के बाद कृत संकल्प है। भगवान श्री राम की नगरी में राष्ट्रीय कार्यकारिणी इसलिए रखी गई क्योंकि भगवान श्री राम की कृपा हिंदू समाज पार्टी जब से बनी है उसके ऊपर निरंतर बनी हुई है। माता सीता और माता भगवान प्रभु श्री राम हमारे आदर्श हैं और हम अपने आदर्श के श्री चरणों में बैठकर देश की भावी राजनीति की रणनीति तय करने के लिए आज अयोध्या में उपस्थित हुए। इस हिसाब से जो है हमने चुनाव आने वाला है और बीजेपी का मुद्दा खाली राम मंदिर है, क्या लगता है आपको है कि इसी मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए? पहली बात तो बीजेपी का राम मंदिर कभी मुद्दा नहीं रहा, संतों ने इस मुद्दे को शुरू किया था और संतों ने जब इस मुद्दे में एक जान फूंक दी तो अडवाणी सोमनाथ से लेकर राम मंदिर के लिए अयोध्या रथ यात्रा लेकर निकल आए। ये अलग की बात थी कि उन्होंने सपोर्ट किया कि राम मंदिर बनना चाहिए। दूसरी बात यह है कि उनका जब भी चुनाव आएगा, अब देश की जनता जान चुकी है कि वो केवल जुमला और सिकोखा है राजनीतिक, राम मंदिर का निर्माण जो भी होगा या तो व्यापक रूप से लोकतंत्र के अंदर जनशक्ति का प्रचंड प्रदर्शन हो कि प्रधानमंत्री का राशन पानी और बिजली सब काट दिया जाए, आवास का खुली लड़ाई कि राम मंदिर के लिए आप प्रस्ताव लाइए लोकसभा में, तभी हम आपको जो है आगे का कार्रवाई करने देंगे। इन सारे मुद्दों को लेकर बहुत कुछ परिवर्तन होने वाला है। आज ये सारे लोग हैं
ये कोई संघ का है, कोई बीजेपी का है, कोई शिवसेना का है, आखिर ये क्यों आ रहे हैं आज हिंदू समाज पार्टी में? जहाँ व्यक्ति की भावनाएं, जहाँ व्यक्ति के आदर्शों का सम्मान न हो तो वो क्यों? भाजपा देश की वो पार्टी है जो अपने वोटरों को चुनाव के बाद, सत्ता के बाद पर्दे के पीछे ढकेल देती है और जिन लोगों ने वोट नहीं दिया उनके लिए काम करती है, ये देश की जनता जान चुकी है। इसी के लिए 3 लोकसभा उपचुनाव वो हारे, क्योंकि भावनाओं के साथ जो खेल रहे थे जनता जानने लगी, इसलिए वो उत्तर प्रदेश में चुनाव हार गए। अयोध्या के जो संत महान थे उनका ये कहना है कि अगर अब की नहीं राम मंदिर बन पाया तो अब की हम लोग अपने निर्णय से मंदिर बन पाएंगे। मैं स्वागत करता हूँ, जब भी अयोध्या का कोई भी संत पूज्य इस कदम के लिए आगे बढ़ेगा, हिंदू समाज पार्टी तन मन धन से उस संत श्री के चरणों में साथ बैठ के कार्य करेगी, क्योंकि मेरा उद्देश्य भगवान श्री राम मंदिर का निर्माण करना है। हम चुनावी एजेंडा नहीं, मैं पीछे हमेशा आप लोग देखते होंगे राम मंदिर के लिए लड़ रहा हूँ। हिंदू महासभा में था पक्षकार, आज भी मैं हूँ, लेकिन हमारा जो उद्देश्य है भगवान श्री राम मंदिर का निर्माण, और अगर इन 5 सालों में नहीं बन पाया तो इस देश का हिंदू राम मंदिर का स्वप्न देखना भूल जाए, क्योंकि आज ये 22% में राम मंदिर नहीं बना पा रहे हैं, 10 साल बाद ये 30% होंगे, पूरे देश पे इनका कब्जा हो जाएगा, तब न कोई राम मंदिर होगा बन पाएगा और जो बचे हैं वो भी नहीं बच पाएगा, ये निश्चित है। इसलिए 5-10 साल में जो इनको करना हो कर ले, ये धर्म युद्ध है, आने वाली पीढ़ी को बचाने का कर्म युद्ध है, अब उनको स्वयं तय करना। करा सकते हैं, ये मेरा सुझाव है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो हाथ से हाथ मिला रहे, हृदय से हृदय मिला रहे, बोल से बोल जुड़ा रहे। अगर हम इन मंत्रों को अपने जीवन में उतार लेंगे, इन मंत्रों को अपने जीवन में धार लेंगे, तो मुझे विश्वास है कि ये आपकी पार्टी, ये आपने जो इसे खड़ा किया, जहां तक पहुंचाया है, मुझे विश्वास है मात्र केवल 6 महीने में आप सत्ता में होंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। करीब आ गया है क्या बीजेपी साथ पार्टी है? नहीं है, जन्मभूमि के साथ, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। यानी अगर जो मंदिर मार गए उसके साथ में? जी जी, उसी के साथ मंदिर निर्माण में हम रहेंगे, मैं उसी के साथ। क्या नाम है आपका? अशोक सिंह।